guided by mechanical engineer Deepak Sir. हाय फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज के डेट में आप लोगों को मैं एक चैप्टर पढ़ाऊंगा और ये काफ़ी ट्रिकी चैप्टर है और इसको काफ़ी आसानी से आप लोग समझ सकते हैं, ठीक है। तो अभी तक जो लोग भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले ताकि हमारे आने वाले अगले वीडियो की अपडेट आप तक पहुँच सके। तो आइए हम लोग एक चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। इसके कुछ बेसिक कंसेप्ट को हम लोग देखेंगे, उसके बाद डायरेक्ट एक्सरसाइज पे चलेंगे। पहले बेसिक कंसेप्ट देखेंगे, उसके बाद हम लोग एक्सरसाइज पे जाएंगे। तो आइए कुछ बेसिक कंसेप्ट इसका देखते हैं। बेसिक कंसेप्ट देखिए, इसमें हम लोग कुछ सिंबल यूज करेंगे। सिंबल का मतलब देखिए, इसमें हम लोग क्या करेंगे, कुछ सिंबल यूज करेंगे। सिंबल जैसे आपके प्रश्न में आता है कि राम के आयु आज से 10 साल बाद, तो हम लोग यहाँ से लिखेंगे तो इतना समझ जाएगा, क्लियर है। रामों का आयु आज से 10 वर्ष पहले, फिर भी यहाँ से लिखेंगे तो यहाँ तक जाएगा। तो ये सब सारी चीज से बचने के लिए हम लोग एक सिंबल का यूज करते हैं। वो सिंबल मैं आपको यहाँ पे बता रहा हूँ, वो यदि आप लोग अच्छे से कर लेते हैं तो काफी कम समय में आप लिख सकते हैं। देखिए, ए जीरो का मतलब क्या होता है, परसेंटेज। ए जीरो का मतलब क्या होता है, परसेंटेज, और इसका मतलब क्या होता है, वर्तमान, और इसका मतलब होता है वर्तमान आयु, और इसका मतलब आपका क्या होता है, वर्तमान आयु। दूसरा है आपका ए माइनस का मतलब क्या होगा, पास्ट एज। ए माइनस का मतलब क्या है, पास्ट एज, और इसका मतलब आपका क्या है, भूतकाल, भूतकाल आयु या पहले का आयु। वर्तमान आयु मतलब अभी का आयु और भूतकाल मतलब पहले का आयु। उसके बाद ए प्लस, इसका मतलब आपका क्या है, फ्यूचर एज। फ्यूचर एज का मतलब क्या है आपका, भविष्यकाल, भविष्यकाल या भविष्य आयु, ठीक है, भविष्य आयु, क्लियर है। तो देखिए, ये आपका तीन है, आपको तीन ही याद रखना है। ए जीरो का मतलब परसेंटेज, परसेंटेज का मतलब वर्तमान आयु। ए माइनस का मतलब पास्ट एज, पास्ट एज का मतलब भूतकाल आयु, और ए प्लस का मतलब फ्यूचर एज, और फ्यूचर एज का मतलब भविष्य काल आयु, या काल भी लिख लीजिए, चलिए जल्दी। चलिए, भविष्य काल की आयु मतलब आने वाला आयु। अब जैसे देखिए, मैं आपको एक छोटा सा क्वेश्चन के तौर पे दे रहा हूँ, उसको कैसे राइट करेंगे। जैसे राम की आयु आज से 10 वर्ष बाद, उसको कैसे लिखेंगे। तो देखिए, राम के लिए क्या लिखेंगे, आर, 10 साल बाद, बाद के लिए क्या लिखेंगे, प्लस, कितना साल बाद, 10 साल बाद, कंप्लीट हो गया। आज से 10 साल बाद राम की आयु, तो देखिए ये हो गया आपका राम, और आज से 10 साल पहले पे लिखना है, तो पहले के लिए क्या देंगे, माइनस देंगे, और कितना पहले, 10 साल, क्लियर है। उसके बाद देखिए, यदि मैं बोल रहा हूँ कि सोनू की वर्तमान उम्र, तो कैसे लिखेंगे, एस, और उसके ऊपर कितना देंगे, जीरो। ये क्या हो जाएगा आपका, सोनू का वर्तमान उम्र हो जाएगा। और देखिए, प्रिया का आज से 20 साल बाद की आयु, कैसे लिखेंगे, प्रिया के लिए पी, और प्लस का मतलब बाद, कितना, 20, क्लियर है। नेहा का आज से 10 साल पहले की आयु, तो कैसे लिखेंगे, नेहा पहले के लिए, पहले के लिए माइनस, और कितना पहले, 10 साल, क्लियर है। उसी प्रकार राजू का उम्र आज से 25 वर्ष बाद, तो कैसे लिखेंगे, आर, और बाद के लिए प्लस, कितना साल बाद, 25 साल बाद। सोनू का आयु आज से 30 वर्ष पहले, तो कैसे लिखेंगे, एस, पहले है तो माइनस, और कितना पहले, 30 साल।
सोनू का वर्तमान उम्र कैसे लिखेंगे, ए से जीरो, क्लियर है, तो ये लिखने आ जाएगा आपको। अब देखिए एक और पॉइंट है इसमें जो कि आपको कंसीडर करना है, देखिए काफी इम्पोर्टेंट पॉइंट है ये, इम्पोर्टेंट पॉइंट्स, और यही कंसेप्ट क्या है आपका एज का मेन है, इसी के कंसेप्ट पे हम लोग पूरे क्वेश्चन को हल करेंगे। देखिए सपोज है एक राम, राम नाम का लड़का है और दूसरा रोशन नाम का लड़का है और दोनों एक दूसरे के क्या है, भाई है। राम का आयु है आपके पास 10, चलिए इसका 20 ले लेते हैं, राम का आयु है 10, नहीं सॉरी 20 ले लेते हैं, चलिए राम का आयु है 20 और रोशन का आयु है 10, दोनों क्या है, एक दूसरे के भाई हैं। राम का आयु है 20 और रोशन का आयु है 10, यदि इन दोनों के प्रेजेंट एज के डिफरेंस के बात कहा जाए तो कितना होगा, 10 साल। राम की आज का उम्र कितना है 20 और रोशन के आज का उम्र कितना है 10, तो इन दोनों के आयु का अंतर कितना होगा, 10 साल, क्लियर। आज से यदि आज से 10 साल बाद में जाए तो राम की आयु कितना होगा, 30, क्लियर है। आज से 10 साल बाद जाए तो रोशन का आयु कितना हो जाएगा, 20, क्लियर है, रोशन का आयु कितना हो जाएगा, 20। अब हम लोग यहाँ पे डिफरेंट देखेंगे, डिफरेंस मीन्स अंतर, अंतर देखेंगे तो आपका कितना मिलेगा, 10, क्लियर है। अब यदि 5 साल पहले जाए तो, 5 साल पहले जाए तो राम की आयु कितना होगा, 15 और रोशन की आयु कितना होगा, 10 में से 5 जाएगा, 5 कितना होगा, 5, क्लियर है। इन दोनों का यदि डिफरेंस देखें तो आपको कितना मिलेगा, 10। तो यहाँ से आपका कंसेप्ट क्या निकल के आया कि कोई भी दो व्यक्ति जिनके आयु का अंतर आज है जितना, उतना ही अंतर बाद में भी रहेगा और उतना ही अंतर पहले भी था, क्लियर है। तो कहने का मतलब है कि आयु का अंतर हमेशा सेम रहता है, वो कभी बदलता नहीं, क्लियर है। तो मेन आपका बेसिक यही है, इसी बेसिक पे हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। चलिए आइए पहला क्वेश्चन देखते हैं इसके बेसिक पे, मेन इसी के बेसिक पे हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। आइए पहला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, पहला क्वेश्चन है देखिए, ए तथा बी के वर्तमान आयु का अनुपात क्रमशः 4:5 है। देखिए ए का वर्तमान उम्र कैसे लिखेंगे, ए जीरो, और बी के वर्तमान उम्र कैसे लिखेंगे, बी जीरो। इनके आयु का अनुपात कितना है, 4:5 है, इनके आयु का अनुपात कितना है, 4:5 है। 5 वर्ष बाद कैसे लिखेंगे, ए प्लस 5 और उसके बाद बी प्लस 5, 5 वर्ष बाद इनके आयु का अनुपात कितना हो जाएगा, 5:6 हो जाएगा। तो ए की वर्तमान उम्र क्या है यही आपको निकालना है, ए का वर्तमान उम्र क्या है वही आपको निकालना है, क्लियर है। चलिए अब देखिए इसको कैसे सॉल्व करेंगे, देखिए ए का वर्तमान उम्र 4:5 के बराबर है, बी का वर्तमान उम्र 5:5 के बराबर है, क्लियर है। अब उसके बाद ए प्लस 5 मतलब ए की उम्र 5 साल बाद कितना है, 5, और बी प्लस 5 इसका मतलब है कि बी का आज से 5 वर्ष बाद आयु का अनुपात कितना होगा, 6:5 के बराबर, क्लियर है। अब देखिए कैसे इसको बनाएंगे, ये तो हमारा सारा क्वेश्चन हुआ, अब आगे कैसे बढ़ेंगे वो देखिए। ए और बी के आयु का अंतर देखिए कितना है, एक ए है 4 का तो बी है कितना का, 5 का, तो इनके बीच का अंतर कितना हुआ, 1, क्लियर है। तो आज इनका अंतर 1 है तो बाद में भी अंतर कितना होना चाहिए, 1 का ही होना चाहिए। तो यहाँ पे देखिए बाद में अंतर कितना का है, 1 का है, बाद में भी अंतर कितना का है,
एक का है तो यहाँ पे आयु का अंतर बराबर, क्लियर है। तो जब आयु का अंतर बराबर रहेगा तो इसका मतलब है कि आपका अनुपात सही है, बैलेंस, क्लियर है। अब देखिए क्या करेंगे, पहले था ए 4:1 के बराबर, अब हो गया ए 5:5 के बराबर, तक कितना बढ़ा, +1 बढ़ा, क्लियर है। पहले था बी 5, अब हो गया 6, तक कितना बढ़ा, 1 बढ़ा, क्लियर है। ये 1:1 बढ़ने में समय कितना लिया, 5 वर्ष, समय कितना लिया, 5 वर्ष। तो पूछा है कि ए का वर्तमान उम्र कितना है, तो वो आपको बताना है। तो देखिए, ए का वर्तमान उम्र कितना अनुपात के बराबर है, 4:1 के बराबर है, तो 1:5, तो 4 बराबर कितना हो जाएगा, 4 × 5 कितना हो जाएगा, 20 ईयर, और यही आपका क्या होगा, आंसर होगा, क्लियर है, यही आपका आंसर होगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 2। विशाल तथा शेखर के वर्तमान आयु का अनुपात, देखिए विशाल और उसके बाद शेखर के वर्तमान आयु का अनुपात कितना है, 14:17। 6 वर्ष बाद इनके आयु का अनुपात, तो 6 वर्ष बाद कैसे लिखेंगे, बी प्लस 6 और एस प्लस 6। 6 वर्ष बाद इनके आयु का अनुपात क्रमशः कितना हो जाएगा, 17:20 हो जाएगा। तो शेखर की वर्तमान उम्र कितना होगा, वही आपको निकालना। चलिए बनाइए इसको। देखिए, विशाल के वर्तमान आयु का अनुपात कितना है, 14, और शेखर के वर्तमान आयु का अनुपात कितना है, 17, क्लियर है। तो इन दोनों के बीच का अंतर कितना मिला आपको, 3, और इन दोनों के बीच का अंतर कितना मिला, 3। आज भी अंतर 3 है और आज से 6 साल बाद भी अंतर 3 रहेगा, तो हमारा अनुपात बराबर रहेगा, क्लियर है। तो ये आपका क्या है, अनुपात बैलेंस है, बराबर है, अनुपात सही है आपका। अब देखिए, पहले था विशाल 14 के, अब हो गया विशाल 17 के, तो बढ़ा कितना, 3 बढ़ा। पहले था शेखर 17 के, अब हो गए शेखर 20 के, तो बढ़ा कितना, 3। और ये 3 बढ़ने में समय कितना लगा, 0 साल और 6 साल, कितना लगा, 0 और 6 जोड़ेंगे तो 6 साल। उसके बाद देखे, 3 से काट लेंगे तो कितना मिलेगा, 1/2 मिलेगा आपको। पूछा क्या है, शेखर का पूछा वर्तमान उम्र, तो शेखर का वर्तमान उम्र 17 के बराबर है, तो 1/2 तो 17 बराबर कितना हो जाएगा, 17 × 2 तो ये आपका कितना हो जाएगा, 34 साल। तो आपका आंसर कितना हो जाएगा, 34 साल, क्लियर है, आपका आंसर कितना हो जाएगा, 34 साल। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 3। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ, चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखिए। देखिए, मीरा मीरा और प्रिया, मीरा तथा प्रिया के वर्तमान आयु का अनुपात क्रमशः कितना है, 3:4 है। 10 वर्ष पूर्व कैसे लिखेंगे, m-10 और p-10, क्लियर है। 10 वर्ष पूर्व इनके आयु का अनुपात क्रमशः कितना है, 4:7। तो 5 वर्ष बाद मीरा की आयु कितना हो जाएगा, 5 वर्ष बाद मीरा की आयु कितना होगा, वही आपको निकालना है। 5 वर्ष बाद मीरा की आयु कितना होगा, वही आपको निकालना है। चलिए देखिए, सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, अनुपात के अंतर को देखेंगे। देखिए, इन दोनों का अंतर कितना है, 1 है, मीन्स आज मीरा और प्रिया के आयु का अंतर कितना है, 1 है। तो आज से 10 साल पहले भी मीरा और प्रिया के आयु का अंतर कितना होगा, या कितना था, 1 ही होगा, क्लियर है। कितना हो था या कितना होगा, 1 ही होगा। तो यहाँ पे आपको कितना दिख रहा है,
तीन दिख रहा है, तो यहाँ पे अंतर एक और यहाँ पे अंतर कितना है, तीन, ये बराबर हो सकता है। मीन्स ऐसा हो सकता है कि आज आपका भाई, आज यदि आज आपका भाई आपसे 3 साल छोटा है और 10 साल पहले आपके बराबर था, ऐसा पॉसिबल है? ऐसा पॉसिबल नहीं हो सकता है। तो हम लोग क्या करेंगे, अब यहाँ पे तीन है ऊपर में एक है, तो हम लोग क्या करेंगे, अंतर को बराबर करेंगे। तो देखिए यहाँ पे तीन है ऊपर एक है, तो इसको तीन बनाने के लिए कितना से गुना करना पड़ेगा, तीन से। तो आपको सोचने की जरूरत नहीं है, नीचे वाले टर्म को ऊपर मल्टीप्लाई कर दीजिए, आपका बैलेंस हो जाएगा। अब देखिए तीन गुना तीन करेंगे तो आपको कितना मिलेगा, 9, और 3 गुना 4 करेंगे तो कितना मिलेगा, 12। क्लियर है? नीचे कितना है, 4 और उसके बाद 7। अब सारा काम आपको किससे करना है, इससे करना है, ये अनुपात गलत था। क्लियर है? किससे करना है आपको, इससे करना। अब देखिए 9 से 12, 3 का अंतर, 4 से 7, 3 का अंतर बैलेंस हो गया। देखिए आज है 9 का और आज से 10 साल पहले कितना का था, 4 का था, तो कम कितना हुआ, 5। आज है 12 का, आज से 10 साल पहले कितना का था, 7 का, तो कम कितना हुआ, 5। ये 5 अनुपात कम होने में समय कितना लग गया बताइए, 0 साल और 10 साल कितना, 10 साल, 0 और 10 जोड़ेंगे तो 10, 5 से काट लीजिए तो 1 बराबर आपको कितना मिल जाएगा, 2। पूछा है कि मीरा का आयु आज से 5 साल बाद, तो इसको दो तरीका से निकाल सकते हैं, दो तरीका से। देखिए कैसे निकालेंगे, पहले ऊपर जाइए, मीरा का वर्तमान आयु निकालिए, 1 बराबर कितना है, 2, तो 9 बराबर कितना हो जाएगा, 9 गुना 2 18, और 5 साल बाद बोला है तो 5 साल जोड़ देंगे तो आपको कितना मिल जाएगा, 23 साल। क्लियर है? ये तो आपका निकल गया इससे। अब आपको यदि इससे निकालना है तो कैसे निकालेंगे, मीरा का आज से 10 साल पहले की आयु कितना है, 4 अनुपात के बराबर, तो 1 बराबर 2 है तो 4 बराबर कितना हो जाएगा, 4 गुना 2 8 हो जाएगा। ये 10 साल पहले का है, ये 10 साल पहले का है, उसमें यदि आप 10 जोड़ेंगे तो आप कहाँ पे पहुँचेंगे, वर्तमान में। तो 10 जोड़ दिए तो आप कहाँ पे पहुँच गए, वर्तमान में, आज से 5 साल बाद, तो फिर आपको 5 जोड़ना पड़ेगा तो कितना हो जाएगा, 23 साल। तो दोनों कंडीशन से आंसर आ जाएगा। क्लियर है? चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 4 देखिए। देखिए 7 वर्ष पूर्व ए तथा बी की आयु का अनुपात क्रमशः, 7 वर्ष पूर्व ए और बी के आयु का अनुपात क्रमशः कितना था, 4:5 था, तथा 7 वर्ष बाद, इनके आयु का अनुपात क्रमशः 5:6 होगा, तो बी की वर्तमान कितनी है, बी की वर्तमान आयु कितनी है वो आपको निकालना है। बी की वर्तमान आयु कितनी होगी या कितनी है वो आपको निकालना है। चलिए क्या करेंगे, सबसे पहले इन दोनों का अंतर देखें कितना, 1, और इन दोनों का अंतर कितना, 1। अंतर बराबर है तो आपका अनुपात बराबर है। अब देखिए पहले था 4 के, अब हो गया 5 के, बढ़ा कितना, 1 बढ़ा, पहले था 5 के, अब हो गया 6 का, बढ़ा कितना, 1। तो 1 बढ़ने में समय कितना लगा, 7 साल लग जाएगा, और 7 साल यहाँ पे, तो टोटल कितना हो गया, 14 साल। टोटल कितना हो गया, 14 साल। पूछा क्या है, बी का वर्तमान उम्र, तो बी का वर्तमान उम्र कहीं से भी आप निकाल सकते हैं, यहाँ से ही निकाल लीजिए। बी का 7 साल पहले का अनुपात कितना है, 5:5 के बराबर है, तो 5:5 बराबर कितना हो जाएगा, 14 गुना 5, ये कितना हो जाएगा, 70। और ये कब का है, आज से 7 साल पहले का है, वर्तमान में आना है तो आपको 7 जोड़ना पड़ेगा, तो ये कितना हो जाएगा, 77 साल। यदि आपको इससे निकालना है तो 7 साल बाद का निकलेगा, आपको 7 घटा लेना है तो वर्तमान आ जाएगा। क्लियर है? चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। क्वेश्चन
देखिए अंजु तथा संध्या के वर्तमान आयु का अनुपात, ये हो गए अंजु और ये हो गए संध्या, इनके आयु का अनुपात क्रमशः कितना है? 13:17। चार वर्ष पूर्व कैसे लिखेंगे? ए माइनस चार और एस माइनस चार, इनके आयु का अनुपात कितना है? 11:15। तो 6 वर्ष बाद इनके आयु का अनुपात कितना हो जाएगा? मतलब ए प्लस छ और एस प्लस छ आपको अनुपात निकालना है। क्लियर है? चलिए देखिए यहाँ पे अंतर कितना का दिख रहा है आपको? 4 का, और यहाँ पे अंतर कितना का दिख रहा है? 4 का। क्लियर है? तो जब ऊपर अंतर बराबर रहता है तो हमारा अनुपात बराबर रहता है, ठीक है। अब देखिए पहले था 13 के, अब हो गया 11 के, कितना कम होगा? 2 कम होगा। एक चीज ध्यान रखिए, यहाँ पे जितना अंतर रहेगा उतना ही अंतर यहाँ पे भी रहेगा, तो आपको बार बार ऐसे लाइन को ड्रॉ करने की जरूरत नहीं था। मैंने बेसिक 2-3 क्वेश्चन करा दिया, उतना में कंप्लीट हो गया। अब हम लोग डायरेक्ट करेंगे, क्लियर है। तो 13 से 11 हुआ तो कितना कम हुआ? 2। ये 2 कम होने में समय कितना लग गया? 4। तो 2 से काट लेंगे तो 1 बराबर आपको कितना मिल जाएगा? 2 मिल जाएगा। तो देखिए ए प्लस छ और एस प्लस छ आपको निकालना है। तो पहले आप क्या कर लीजिए, ए 0 निकाल लीजिए। तो 1 बराबर 2 है तो 13 बराबर कितना हो जाएगा? 13 दूना 26, और एस को निकालना है तो 17 बराबर कितना हो जाएगा? 34। क्लियर है? ए प्लस छ तो इसमें 6 जोड़ दीजिए, एस प्लस छ तो इसमें 6 जोड़ दीजिए, दोनों का रेशियो ले लीजिए तो कितना हो जाएगा? 26 और 6 32, और 34 और 6 40। 4 से काट लेंगे, 8 बार 4 से काट लिए, 10 बार ये 4 ये 5, तो आंसर कितना हो जाएगा? 4:5। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 6। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 देखे, समीर तथा तनुज के आयु का अनुपात, ये हो गए समीर और ये हो गए तनुज, इनके आयु का अनुपात कितना है? 8:15। 9 वर्ष बाद इनके आयु का अनुपात, 9 वर्ष बाद इनके आयु का अनुपात क्रमशः 11:18 होगा। तो इन दोनों में आयु का अंतर कितना है? मतलब एस 0 और टी 0 आपको निकालना है। क्लियर है? इसका और इसके आयु का अंतर कितना है वो आपको निकालना है। चलिए देखिए 8, 7, 15, 11, 7, 18 बेसिक छोड़ देंगे, अब डायरेक्ट करेंगे। देखिए अब बेसिक के लिए मैंने 3-4 क्वेश्चन करा दिया, अब बार बार वैसे नहीं करूंगा मैं, ठीक है। 8, 7, 15, 11, 7, 18 कितना बढ़ रहा है? मतलब अंतर आपको कितना दिख रहा है? 7 दिख रहा है। ऊपर में भी अंतर 7, नीचे में भी अंतर 7, अंतर बराबर है, अनुपात सही है आपका। अब देखिए 8 से 11 हुआ तो कितना बढ़ा? 3 बढ़ा। ये कोई जरूरी नहीं है कि आपको दोनों में चेक करना है, जितना इधर बढ़ेगा उतना ही इधर बढ़ेगा, क्योंकि आपको पता है कि दो व्यक्ति है तो दोनों का एज बराबर बराबर बढ़ता है। जैसे आज से 3 साल बाद, जैसे सपोज एग्जाम्पल ले लीजिए, जैसे राम का एज है आपका 15, 3 साल बाद इनका कितना होगा? 18। और इधर कोई व्यक्ति है राहुल है, इसका एज है 10, आज से 3 साल बाद तो इसका भी कितना होगा? 13। तो आयु क्या होता है? दोनों का बढ़ता है। तो देखिए और दोनों का आयु क्या होता है? दोनों का सेम ही बढ़ता है। तो यहाँ से 8 से 11 हुआ तो कितना बढ़ा? 3। ये 3 बढ़ने में समय कितना लग गया? 9। तो 3 से काट लेंगे तो 1 बराबर कितना हो जाएगा? 3। अब देखिए पूछा है एस 0 और टी 0 का अंतर, तो यहाँ पे देखिए 8 और 15 का अंतर कितना है? 7। तो 1 बराबर 3 है तो 7 बराबर कितना हो जाएगा? 21। यही क्या हो जाएगा आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर है? अब डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर 7। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 डिस्कस करेंगे अभी। देखिए सीमा तथा रीमा की आयु, ये हो गए सीमा
और ये हो गया रीमा कि आयु का अनुपात कितना है, 9:16। 10 वर्ष बाद इनके आयु का अनुपात, 10 वर्ष बाद इनके आयु का अनुपात 2:3 होगा। तो इन दोनों में आयु का अंतर कितना है, इन दोनों में आयु का अंतर कितना है वही आपको निकालना है, ठीक है। इन दोनों में आयु का अंतर कितना है वही आपको निकालना है। सेम क्वेश्चन है पहले के जैसा। देखिए 9 और 7, देखिए 9 और 16 का अंतर देखेंगे यहाँ पे तो आपको कितना मिलेगा, 7। यहाँ पे देखिए 3 और 2 का अंतर कितना, 1। ऊपर है अंतर 7 और नीचे है अंतर 1, तो अंतर को आपको क्या करना पड़ेगा, बराबर करना पड़ेगा। तो बराबर कैसे करेंगे, ऊपर वाले को नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 7 गुना कितना हो जाएगा, 14 और 17 = 21, और इसको बराबर में लिख लीजिए 9, और उसके बाद कितना हो जाएगा, 16। कितना हो जाएगा, 9 और 16। ये वाले अनुपात को काट दीजिए, आपका नया अनुपात कौन सा मिला, 9, 16, 14, 21। अब देखिए अंतर 9 से 16, 7 बढ़ा 14 से 21, 7 बढ़ा, अंतर आपका बराबर हो गया। अब देखिए पहले था 9 के, अब हो गया 14 के, बढ़ा कितना, 5। ये 5 बढ़ने में समय कितना लगा, 10। तो 5 से काट लेंगे तो 1 बराबर आपको कितना मिल जाएगा, 2 मिल जाएगा। पूछा क्या है, एस और आर जीरो का अंतर पूछा है, तो इनका अंतर ले लीजिए कितना होगा, 7। तो 1 बराबर 2, तो 7 बराबर कितना हो जाएगा, 14 साल। यही आपका क्या होगा, आंसर होगा। क्लियर है, यही आपका क्या होगा, आंसर होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 8। चलिए 8 नंबर देखिए। एक पिता तथा उसके पुत्र की आयु 10 वर्ष बाद क्रमशः 5:3 के अनुपात में होगी। तो देखिए पिता के लिए एफ मान लिए और पुत्र के लिए एस मान लिए। पिता तथा उसके पुत्र की आयु 10 वर्ष बाद, 10 वर्ष बाद, क्लियर है। पिता की आयु 10 वर्ष बाद और पुत्र की आयु 10 वर्ष बाद, क्लियर है। 10 वर्ष बाद कितना होता है, 5:3 होता, जबकि 10 वर्ष पूर्व, जबकि 10 वर्ष पूर्व, 10 वर्ष पूर्व इनके आयु का अनुपात क्रमशः 3:1 था, तो पिता तथा पुत्र के वर्तमान आयु का अनुपात क्रमशः कितना है। तो आपको क्या निकालना है, पिता और पुत्र के अनुपात आपको निकालना है। चलिए देखिए आप यहाँ पे देखिए इन दोनों का अंतर आपको कितना दिख रहा है, 2, और इन दोनों का अंतर आपको कितना दिख रहा है, 2। तो अनुपात हमारा क्या है, बराबर है। अनुपात हमारा क्या है, बराबर है। तो ये देख लीजिए कि कितना बढ़ा, पहले था 5 के, अब हो गया 3 के, तो घटा कितना, 2। और ये 2 कम होने में समय कितना लग रहा है, 10 साल यहाँ और 10 साल यहाँ, कितना, 20। तो 2 से काट लेंगे तो 1 बराबर आपको कितना मिल जाएगा, 10। क्लियर है। अब एफ जीरो और एस जीरो निकालना है, तो 2 तरीके से निकाल सकते हैं, या तो यहाँ से निकालिए या तो यहाँ से निकालिए। यहाँ से निकालेंगे तो आपको 10 जोड़ना पड़ेगा, यहाँ से निकालेंगे तो आपको 10 घटाना पड़ेगा। तो चलिए यहाँ से निकाल लीजिए, एफ 10 मतलब पिता की आयु आज से 10 साल बाद कितना है, 5:1 के बराबर है, 1 बराबर 10 है, तो 5 बराबर कितना हो जाएगा, 50, और 3 बराबर कितना हो जाएगा, 30। ये कब का आयु है, आज से 10 साल बाद की आयु है, तो यदि 10 साल घटा देंगे तो आपको कितना मिल जाएगा, 40 मिल जाएगा, और इसमें से 10 साल घटा देंगे तो आपको कितना मिल जाएगा, 20 मिल जाएगा। और ये 40 क्या है, पिता का वर्तमान उम्र, और ये 20 क्या है, पुत्र का वर्तमान उम्र। दोनों का रेशियो ले लीजिए तो आपको कितना मिलेगा, 2:1 मिलेगा,